तो गाइज अभी हम हैं मिरिक लेक के पास में, और ये मेरे बैकग्राउंड में जो आप रास्ता देख रहे हैं वहां से मिरिक लेक हम पैदल जाएंगे, सामने से देख भी पा रहे हैं आप। तो आइए मिरिक लेक आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ का मार्केट का व्यू है, बढ़िया है, काफी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं फ्रूट जूस के लिए, फ्रूट्स के लिए, काफी हेल्दी चीजें। ये है लेक का एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री के बाद में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू नजर आता है। ये देखिए पूरा बढ़िया सा पार्क बनाया हुआ है, पूरी लेक है और एक ब्रिज भी बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो जब भी आप अगर दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आते हैं मिरिक होते हुए जरूर आइए आप, ताकि आप मिरिक लेक का जो आनंद उठा पाए। देखिए पानी के पास में अगर आपको जाके दिखाएं, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, आपको चारों तरफ घुमा के दिखाता है। बहुत सारे टूरिस्ट इस टाइम पे आए हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर आके लगा है हमें भी। सर्दी यहाँ पे बहुत कम है तो स्वेटर हमने उतार दिए हैं, उल्टा हम बोल सकते हैं कि गर्मी यहाँ पे ज्यादा है। ये देखिए पानी के पास का व्यू, बोटिंग भी यहाँ पर होती है, कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है लेक के पास हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग रेट्स पे अवेलेबल है, अलग अलग वैरायटी की राइड्स। ये देखिए बहुत बड़ी लेक है, उधर तक फैली हुई है। इसके बाद हम लोग इधर से ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं, ब्रिज के ऊपर चल के लेक के दूसरे पार हम जाने वाले हैं। तो ये इस ब्रिज से पार होके इस रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। काफी शांत मौसम यहाँ का, काफी ज्यादा यहाँ पर शांति मिलती है माइंड को, वेदर एकदम साफ है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है। और दूर से मुझे आई लव मिरिक का एक बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, वहां तक हमें जाना है, उसके बाद में राउंड करके दूसरी साइड से निकलना है। तो फाइनली हम जो है आई लव मिरिक का बोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ तक पहुंचे। सबसे खूबसूरत बात इस जगह की मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं अगर सेल्फी मोड पे फोटो लेते हैं या वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा सा उसको अपोजिट करके दिखाता है, तो ये पहले से अपोजिट करके लगाया हुआ है और उसको अगर आप सेल्फी मोड में लोगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ की मुझे विशेषता लगी, अच्छी बात लगी। अगर आप बैक कैमरे में देखोगे तो आपको अपोजिट दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। ये यहाँ का व्यू, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो करो जी, हेलो करो, हेलो डॉगी, हेलो करो बेटा, हाय हाय, पास में जाओ, पास में जाओ। तो यहाँ हम सिवाना व्यू पॉइंट पहुंचे हैं, अभी यहां से व्यू दिखने वाला है, देखते हैं कैसा व्यू है। ये है जी सिवाना व्यू पॉइंट, तो यहां से भी काफी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौसम, आज क्लियर है मौसम और बारिश बिल्कुल भी नहीं है, सुबह सुबह काफी अच्छा लग रहा है देख के। वो दूर में जो है एक टाउन दिखाई दे रहा है, जूम करके आपको दिखाए तो ये है टाउन। ये आप देख सकते हैं यहाँ से नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी है, और अलग अलग जगह अलग अलग डिस्टेंस पे, तो ये इसके जस्ट पास से यहाँ नेपाल है, ये सिमाना टाउन।
सीमाना व्यू पॉइंट। तो अभी हम नेपाल पशुपति बॉर्डर जो है वहां पहुंचने वाले हैं, जस्ट 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये पशुपति बॉर्डर है, नेपाल मार्केट पशुपति मार्केट। तो अभी हम इंडिया में है कि नेपाल में? इंडिया में उस तरफ, और वो नेपाल है। तो ये रहा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। तो गाइस अभी हम हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये बॉर्डर है। तो आइए यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम जो है नेपाल के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये है नेपाल का जो एंट्री गेट, और उससे पहले वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया वो था वहाँ का बॉर्डर। वहाँ पर फोटो और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर फोटो और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है वो इंडिया का है, एंड ये वाला जो है वो नेपाल का है।